देखिए फैन लोग, आज दीदी का मतलब परी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और रात हो गया है और रात भर सोई भी नहीं है और हॉस्पिटल में रात में कहाँ लेकर जाए, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। भैया भी बहुत परेशान है और दीदी रोई पे रोई जा रही थी कि चुप हो जाए यार, बुच्चिया चुप हो जाए। देखिए यार बहुत ज़्यादा दीदी रो रही है। सुबह तो परी के लेके चले गए हमने के हॉस्पिटल, ठीक हो जाए का कहलो कि कर खांसी जुकाम हो गई दीदी। खुशी दी चुप हो जा, देखिए कौन लोग कितना रो रही है दीदी। रात भर सोई नहीं है 2 दिन से और खांसी यहाँ पे लग रहा है ना, कफ अब जम गया है, खांसी वगैरह हो रहा है। दीदी चुप हो जा, चले गए बुझिया हॉस्पिटल में लेकर बड़का तेजी पे कल आना। ये कैसी हो गई पर बाबू कैसी ओलू पोलू हो गई परी आज। दीदी कहाँ हो गया बुछिया के खुशी दी। दीदी रोई फिर रो जा रही है यार, समझ ही नहीं कि आज कहाँ कहीं जाने का। और दिन रही तो कोनो बात रही तो रात बाटे। वो काल बीमार पड़ ले होगी। कुछ बोले ठीक हो जाए ना दीदी, बीमार तो सब पड़ेला छोट भी या चुप हो जाए। तू हिम्मत हार जाऊ तो फिर भैया का करे ना अकेले रह के। कितना बीमार हो गया ठीक हो जाए। परी बाबू रे ए ले गया आँख खोला ए बस हो गई कितना उल्टी कर दिया ना जगवा। चलिए ले चला जाए। कितना खसर खसर करते कर जवा धगर धगर करते है तो नहीं तो इन्होंने कभी ना कर ले। सुबह हुई तो पहले घूमने जाए, 2 घंटा पहले खेल लेते अब घूमना जे बा जा गुड़ी पा आई गाड़ी गिन के आवा। हां भरी ए बेटा ए ए लाल ए साफ ही गिन ले चल ले चलो। बोल दिया परी परी रे ए परी तगता ए लाल गिर गिर गया तो मुल्लू तो गिर गया था ये दे बाबू रे। हाँ तो देखिए दोस्तों अब हम परी को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा हो गया था घर के कामों से, तो ऐसे घी वो पिलाएं पर ठीक नहीं हुआ, फिर जा रहे हैं हम लोग सब हॉस्पिटल। देखिए परी कैसे एकदम सुस्त हो गई है, देखिए हमारी परी बहुत ज्यादा ही बीमार है, हम बता नहीं सकते कितना बीमार है और आज बोल नहीं रही है, बस रो रही है, थोड़ा सा टुकुर टुकुर मुंह देख रही है सबका, नहीं तो रोज हंसती है बोलती है सबसे बतियाती है, आज कुछ नहीं कर रही है बेचारी है। कहो परी बोल दा बेटा पता ना किसका नजर लग गया है हमारे परी पे, कुछ ना देखिए यहाँ पे शशि दी भी आई है। हेलो दोस्तों नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? आप लोग दुआ कीजिए कि हमारी परी जल्दी से ठीक हो जाए और हम लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि परी का ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया, उसे सांस लेने में दिक्कत चुप जा परी और इसलिए हम लोग अभी सुबह का 6 बज रहा है और हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अब देखिए वहाँ जाने के बाद डॉक्टर क्या बताता है। 2 दिन से तबीयत खराब था तो हम लोग दवा पिला रहे थे, हम लोग सोचे नॉर्मल हो जाएगा लेकिन नहीं, रात से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, उसे सांस नहीं ले पा रही है, दूध पी रही है तो उल्टी हो जा रही है, पूरा सीना उसका मतलब जकड़ गया है और सांस नहीं ले पा रही है। तो अभी
अभी बच्चों जैसे होगा वैसा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं और क्या बता रहा है डॉक्टर, तो हम आप लोग को बताएंगे जरूर, आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग ही हमारी फैमिली की तरह हैं, कोई भी बात होती है तो हम लोग आपसे मतलब शेयर करते हैं। तो देखिए अभी बहुत बेकार हो गई है दोस्तों, बच्चा है उसको क्या पता चलता है, ऐसे परी नहीं रहती थी, चुप हो जा परी, कहो उल्टी कर गो, उल्टी कर गो, मन ठीक नहीं मारे, अब खांसियो नहीं क्या हो खजी, चुप हो जा दीदी, कह सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों का दुआ रहेगा तो हमारी परी जल्दी स्वस्थ हो जाएगी, और आप लोगों से विनती है कि आप लोग दुआ करिए कि हमारी परी जल्दी से स्वस्थ हो जाए, क्योंकि दोस्तों जब बड़ों को कुछ होता है तो बता पाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ होता है तो बता नहीं पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हर चीज़।